नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज संडे ब्लॉग में। अभी सुबह के 9:30 बजे हैं और मैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तक नहाना धोना नहीं हुआ है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के लिए चल रहे हैं, झाड़ू निकाली है और एक बार का नाश्ता हुआ है। तो अब आगे मैं सबसे पहले तो पोछा लगाऊंगी और साथ ही जो कपड़े धुल रहे हैं उनको भी साथ साथ सुखाना धोना वगैरह सब करती रहूंगी। और अब आइए मैं आपको दिखाती हूँ। एक राउंड के कपड़े तो धुल गए हैं, इनको तो मैं निकाल कर साफ पानी से करती हूँ और दूसरे फिर से डालती हूँ। ये देखिए, गेहूँ भी ला के रख दिए हैं, इनको भी साफ करूँगी। और इधर बाहर तख्ते पर पड़े हैं अखबार, लेकिन अखबार तो इस समय पढ़ने का किसी को भी समय नहीं है। देखिए तो मेरे ये सारे बच्चे कैसे आराम से कोई फोन चला रहा है ये सारे देखो तो कैसे मस्ती कर रहे हैं आज संडे के दिन। मैंने अपनी साड़ियाँ तो सारी धो के सुखा दी है। साड़ियाँ मैं मशीन में नहीं धोती, हाथ से ही धोती हूँ। और अब जो मशीन के कपड़े धुले हैं उनको सुखाते हैं। ये 3-4 टोपियों में थोड़ी थोड़ी दही इकट्ठी हो गई है, तो अब इसको मैं लगाऊंगी बिलोने के लिए। मशीन रख ली है मैंने और फटाफट से दही बिलो लेते हैं छाछ के लिए। और अब बना रही हूँ मैं खाना। तो ये देखिए, ग्रेवी तो तैयार कर ली है, पनीर है इसे भी अब काट लेती हूँ। आज बच्चों ने फरमाइश की पनीर की सब्ज़ी बनाने की, तो ये देखिए बहुत ही शानदार पनीर की सब्ज़ी बन गई है। बहुत ही साधारण तरीके से बनाई लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी है। तो अब मैं बच्चों को खाना भी परोस रही हूँ, साथ में ही फटाफट ही मैंने रोटियाँ भी बना ली थी। बच्चों को बहुत ही अच्छी लगी पनीर की सब्ज़ी। और साथ ही मैं आज बना रही हूँ ये काकड़ी होते हैं, इनकी खेलरी। राजस्थान में हमारे पुराने ज़माने में बहुत ही हमारी दादी नानी ये सुखा कर तैयार करती थी। तो आज मैं भी खेलरी बना रही हूँ। काकड़ियों को छील लिया है, इनके बीज निकाल देंगे। और बीज निकालने के बाद इनको हम पतला पतला सा आगे से कट करेंगे, पीछे से इनको इस तरह से जोड़ कर रखेंगे और 2-3 दिन धूप में रखेंगे तो ये सूख कर तैयार हो जाएगी। ये ड्रिप लग रही है, इनकी सब्जी बनाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो इस प्रकार खेलरी सुखा कर रखी आज। अभी चौमासे में ये काकड़ी आ रहे हैं। आज बेटी को अचानक से ही बुखार हो गई और जब बुखार की टेबलेट दी तब एक बार की तो उतर गई, लेकिन फिर बुखार हो गई तो डॉक्टर के पास ले गए, उसको जांच वगैरह करवाई। तो एक तो बीपी कम आया और साथ ही प्लेटलेट्स भी कम आई, तो बच्चे को ग्लूकोज वगैरह लगवाने पड़ रहे हैं। तो अभी जो वायरल फ्लू चल रहा है इसमें सभी का हमें ध्यान रखना चाहिए, खुद का भी, घर में बड़े बुजुर्गों का भी, बच्चों का भी, क्योंकि ये जो वायरल है ये इसकी चपेट में हम आ ही जाते हैं बहुत जल्दी। और डेंगू का भी प्रकोप अभी चल रहा है, तो जैसे ही बुखार हो तो उसमें लापरवाही न करें, तुरंत नॉर्मल बुखार की दवाई लेने के बाद डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। अब चाय बनाई हूँ, दोपहर के 4 बज गए हैं। बैठ कर पूरा दिन हो गया काम करते करते, अब आराम से चाय पीने के बाद फिर शाम के काम लग जाएंगे।
कहने को तो आज छुट्टी है, लेकिन छुट्टी पता नहीं कौन से काम की छुट्टी है, शायद स्कूल की छुट्टी है, बाकी काम सब चालू है। और अब मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को ख़त्म, मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।